पूरी गायिकाओं, स्पेशली लेडीज़ की बात करें, लेडीज़ सिंगर की बात करें, तो आपने देखा होगा कि ये ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहे। लेकिन कुछ गायिकाएं ऐसी हैं जिन्होंने इसे एक मिथ साबित किया है, और उसी में से एक है कल्पना पटौरी। बेसिकली ये आसामी है। जी हाँ, कल्पना के बारे में कम ही लोग जानते हैं, उनके निजी जीवन के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। सभी कल्पना के बारे में यही जानते हैं कि वो एक भोजपुरिया गायक है। लेकिन भोजपुरिया गायक के पहले कल्पना एक बहुत ही अच्छी सिंगर है जिन्होंने कई भाषाओं में गाया है, लेकिन उन्हें जो ख्याति मिली है वो भोजपुरी गानों की वजह से मिली है। भोजपुरी गानों में भी उन्होंने भिखारी ठाकुर के गानों को एक अलग ही मुकाम दिया है। कल्पना पटौरी वैसे तो असम की है, उनके पिता भी एक सिंगर थे और पिता से ही पुत्री में ये विरासत आई है। पिता ने ही पुत्री को ट्रेनिंग की है। पिता और पुत्री के साथ साथ इनका जो एक रिलेशन था वो गुरु और शिष्य का भी था। कल्पना में टैलेंट की कमी नहीं थी, ये बात तो पिता ने बहुत बखूबी जान ली थी। लेकिन कल्पना को जब प्लेटफॉर्म मिला तो फिर संघर्ष का एक दौर भी शुरू हो गया। लेकिन इस संघर्ष में उनके पिता उनके साथ खड़े रहे। आपको ये भी बता दें कि कल्पना ने कभी जीवन में नहीं सोचा होगा कि पिता से उन्हें बेरुखी भी झेलनी पड़ेगी शादी के बाद। जी हाँ, कल्पना ने अपने पिता के मर्जी के खिलाफ जाकर एक मुस्लिम युवक से शादी कर ली। तब कल्पना की उम्र मात्र शायद 19 या 20 वर्ष रही होगी। पिता ने कल्पना को कहा कि वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर उनके पति, कल्पना के पति परवेज, अगर इस्लाम धर्म को छोड़ हिंदू धर्म अपना लेते हैं। लेकिन कल्पना को ये मंजूर नहीं था। कल्पना का कहना है तब वो शायद परवेज को वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाती, और कल्पना के पिता ने उसी वक्त अपनी बेटी को, अपने शिष्य को त्याग दिया, और कल्पना पटवारी से कल्पना परवेज खान बन गई। जी हाँ, कल्पना ने परवेज खान से शादी कर ली, और अब इन दोनों के दो बच्चे हैं। ये दोनों बच्चे भी गायन के क्षेत्र में आना चाहते हैं, इसलिए कल्पना इन्हें ट्रेन भी कर रही हैं। कल्पना के कई बेहतरीन गाने, कई बेहतरीन एल्बम भोजपुरिया दर्शकों के जुबान पर है। जाताड़ा परदेस बलमुआ हो, सैया जी दिलवा मांगे न हो, या फिर कोई भी देवी गीत, कल्पना के स्वर को भोजपुरिया दर्शकों ने अपना लिया। मानो कि कल्पना कभी असमी रही ही नहीं हो। कल्पना तो बस एक कहा जाए कि पैदा वो असम में हुई है, लेकिन बेटी वो बिहार की ही कहलाती है। लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं। कल्पना को अपने जीवन में सिर्फ एक बात की कमी खलती है कि वो अपने पिता को कन्वेंस नहीं कर पाई। पिता को और प्यार के बीच में चुनना पड़ा, तो उन्होंने प्यार को चुना, और वो चाहती है कि वो एक बार इसके लिए अपने माता पिता से क्षमा मांग सके। लेकिन कल्पना के पिता उन्हें एक्सेप्ट कभी नहीं कर पाए। अब कल्पना अपने बच्चों और आसपास के कई बच्चों को असमी और ट्रेडिशनल सॉन्ग सिखाती हैं, और भिखारी ठाकुर के गानों को वो कई देश विदेश में प्रस्तुत कर चुकी हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।